अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स पार्क स्टडीज 301 का लेसन नंबर 11 टू 15 तक कवर करने वाले हैं। सो अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर 11 की बात कीजिए तो यहाँ बेसिकली बात की गई है लाहौर रेजोल्यूशन के बारे में, जिसको विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान रेजोल्यूशन के तौर पर याद किया जाता है। अब बेसिकली यहाँ पे बात क्या की गई कि जो लाहौर रेजोल्यूशन है वो 1940 में जो थी वो स्टार्ट हुई, और ये एक बड़ा एक हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंटली तौर पे याद रखी जाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में। और ये जो आपकी रेजोल्यूशन थी, इसने जो था क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जो था वो उसका लीड अप किया इसके रोल को। एंड नेक्स्टली यहाँ पे जो बात की गई है बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट के बारे में, सो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है कि जो एक्सपीरियंसेस थे कांग्रेस रूल अंडर द ब्रिटिश इंडिया, जिसमें उन्होंने डिसलुगेनमेंट्स फेस किए अमंग मुस्लिम जो कि हिंदू डोमिनेशन के बारे में की गई, मतलब जो कांग्रेस थी वो डोमिनेट कर रही थी हिंदुओं को, उसको एडवोकेटली प्रेजेंट किया उन्होंने। और मतलब उन्होंने बताया कि जो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट हैं उनको कांग्रेस कैटर नहीं कर रही है। अब यहाँ पे बात आती है कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना की, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था टाइम्स में, टाइम्स एंड टाइड में 1945 मार्च, जिसमें उन्होंने एम्फेसाइज किया था कि जो मुस्लिम्स हैं वो अपनी डिस्टिंग आइडेंटिटी रखते हैं, वो एक अलग नेशन है विद इन द इंडिया। नेक्स्टली बात की गई यहाँ पर द लाहौर रेजोल्यूशन मार्च 22 to 24 1940। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग ने एक एनुअल सेशन रखा था लाहौर में, जिसमें मौलवी फजल हक जो थे उन्होंने इसकी जो रेजोल्यूशन जो तहरीक थी उसको मूव ऑन किया था। और सेकेंडली इसमें आते हैं आपके पास चौधरी खलीकुज़मान, और जो इसको लेटर अप्रूव करवाया था 24 मार्च 1940 में। अब यहाँ पर जिन्होंने आर्टिकुलेट किए थे डिफरेंट किस्म के जो पॉलिटिकल रियलिटीज थी जो कि मुस्लिम्स को फेस करनी पड़ी थी इंडिया में, और इन्होंने डिफरेंट किस्म के इश्यूज को हाईलाइट किया जो कि मेनली कॉमनल थे, बट उनमें इंटरनेशनली भी चीज़ें कुछ ऐड थी, मतलब कि इंटरनेशनल तौर पर भी ऐड थी, और वो जो था आपका नेशनल लेवल पर भी वो सब चीज़ें ऐड की गई थी। नेक्स्टली बात की गई टेक्स्ट ऑफ द रेजोल्यूशन के बारे में, अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर रिजेक्ट किया गया था, उन्होंने टेक्स्ट में ये लिखा था कि उन्होंने फेडरल सिस्टम को रिजेक्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की अकॉर्डिंग उसके अंडर, और जो रेजोल्यूशन थी इसमें डिमांड की गई थी एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द मुस्लिम, जो उन्होंने एजर्ट किया था कि नॉन रिवाइज कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान किया जाए जो कि एक्सेप्टेबल होगा तब जब मुस्लिम्स के अप्रूवल के विदाउट वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो तभी एक्सेप्टेबल किया जाएगा जब मुस्लिम उसे अप्रूव करेंगे। और फर्दर यहाँ पर उन्होंने कहा कि उन्होंने एडवोकेट किया था ऑटोनोमस और सोवरेन स्टेट्स के डिफरेंट एरियाज में जहाँ पे मुस्लिम्स को एक मेजोरिटी के तौर पर कंसिडर किया था, जहाँ पे मुस्लिम्स की मेजोरिटी थी। फर्दर यहाँ पर उन्होंने प्रायोरिटाइज किया था प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज के राइट, माइनॉरिटी ऑफ राइट्स को। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ बात की गई सिग्निफिकेंस के बारे में, तो सिग्निफिकेंस क्या था इसका कि जो लाहौर रेजोल्यूशन थी वो एक ग्राउंड वर्क है मुस्लिम्स मेजोरिटी की स्टेट में, उन्होंने मतलब ये जो आपकी रेजोल्यूशन थी जो आपकी तहरीक थी इसने पूरी मतलब पाकिस्तान की क्रिएशन को शेप आउट किया। यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन नहीं किया गया था पाकिस्तान, बट जो वहाँ की लाइक कुछ मीडिया था, कुछ प्रिंटिंग प्रेस के जो लोग थे उन्होंने उसको लाहौर रेजोल्यूशन की वजह पाकिस्तान रेजोल्यूशन लिखना स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद वही नाम उसका अभी तक चल रहा है। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें उन्होंने एम्फेसिस किया था ऑटोनॉमी को, सोवरेनिटी को, जिसने डिफरेंट किस्म के स्टेट्स के पर्पजेज दिए थे, जिसमें उन्होंने रिफ्लेक्ट किया था कोर कंसर्न जिसमें मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन थे उनके राइट्स थे।
लेटर डेवलपमेंट की बात कर ले तो यहाँ पे एक आउटब्रेक आया था वर्ल्ड वॉर टू के बाद 1939 में, जिसमें एक ब्रिटिश प्रायोरिटीज के बारे में बात की गई, जिसमें एक शिफ्ट आया था, मतलब उसमें नेगोशिएशन की गई थी इंडियन लीडर्स के साथ। और इसमें जो था क्रिप्स मिशन आया मार्च 1942 में, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट ऑफ इंडिया को पर्पस कर रहा था। इसमें उसने डोमिनेंट स्टेटस को, रिप्रेजेंटेशंस को जो थी प्रिंसली स्टेट्स की, उनको रिप्रेजेंट किया, उनको इंक्लूड किया। और उसके अलावा बट ये जो स्टेट्स थी, ये दोनों जो उसके पॉइंट्स थे, इनको रिजेक्ट कर दिया था कांग्रेस ने भी, मुस्लिम लीग ने भी। मतलब जो क्रिप्स मिशन था उसमें उसने कहा कि जो डोमिनेंट स्टेट वो मतलब ब्रिटिश ही रहेगी। और दूसरी बात ये उसने की कि ये एक मतलब प्रिंसली स्टेट के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने उनको रिजेक्ट कर दिया था उसके इस मिशन को। और उसके जो लाइक मुहिदा या उसका जो वो एक पर्पस था उसको। नेक्स्टली बात यहाँ पे ये होती है गांधी जिन्ना टॉक्स के बारे में, दिस इज अबाउट 1994। अब इसमें ये डिस्कस किया गया कि जो उन्होंने रिकॉग्नाइज जो फेल हुई थी ना डिफरिंग विजन्स की वजह से, जो यूनाइटेड इंडिया के वर्सेस सेपरेट मुस्लिम मेजोरिटी के स्टेट्स के बारे में बात की गई थी। मतलब जो गांधी था वो कह रहे थे कि जो मतलब एक सब कॉन्टिनेंट है उसमें ही सबको रहना चाहिए और एक यूनिटी के साथ रहें, बट मुस्लिम्स को एक सेपरेट मेजोरिटी के तौर पे रिप्रेजेंट करने का काम कायद अजम कर रहे थे। सो यहाँ पे इन चीज़ों को डिस्कस किया गया। ओवरऑल जो था ये जो रेजोल्यूशन थी 1940 में हुई, जिसका एक क्रूशियल एक माइलस्टोन मूवमेंट भी कहा जाता है इसको पाकिस्तान की हिस्ट्री में। और उसके अलावा इसकी जो आर्टिकुलेटिंग थी उसमें उसकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस आई, उसके मुस्लिम्स की जो अलग नेशन स्टेट के लिए डिमांड थी वो उसमें हाईलाइट की गई। और उसके अलावा जो इसमें जो कॉन्टेक्स है इसके ब्रिटिश इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कशन का, उसके बारे में डिस्कस किया कि किस तरीके से जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस को स्टिल वहाँ पर रखने की ट्राई की। टॉपिक नंबर 12 को देखें तो यहाँ पे बात की गई मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन 1945 to 1946। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ डिस्कस किया गया पॉलिटिकल सिचुएशंस को 1945 में। अब यहाँ पे क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जो ब्रिटिश सॉर्ट थे उन्होंने इंडिया मिलिट्री को सपोर्ट करने का मतलब प्रॉमिस किया। उन्होंने कहा कि हम आपको पॉलिटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पे पोस्ट और के बाद चेंजेस दे देंगे। और यहाँ पे शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में बात की गई, जो कि जून टू जुलाई में हुई थी 1945 में। और इसका एम बेसिकली ये था कि उन्होंने इंडियन पॉलिटिकल फ्यूचर को एड्रेस करना था। और इसमें डिफरेंट किस्म के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो आ रहे थे, मतलब पॉलिटिकल पार्टी से रिप्रेजेंटेटिव आ रहे थे, जैसे कि इंडियन की तरफ से जो मुस्लिम लीग में से जो थे वो जिन्ना थे, और जो आपके कांग्रेस में से थे वो अब्दुल कलाम आजाद थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था मतलब इस शिमला कॉन्फ्रेंस में। अब इनके मेन पॉइंट क्या थे इनकी शिमला कॉन्फ्रेंस के, कि इसमें जो कंटिनेशंस थी उसको रिप्रेजेंट किया गया था मुस्लिम्स के थ्रू। इसमें मौलाना आज़ाद ने क्लेम किया था कि जो कांग्रेस है वो सारी कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट कर रही है, बल्कि जिन्ना ने कहा था कि जो मुस्लिम लोग जो मुस्लिम लीग है वो सिर्फ इंडियन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रही है, वो उनकी सोल को रिप्रेजेंट कर रही है। इलेक्शन ऑफ 1945 to 1946 की यहाँ फर्दर बात की गई है। सो अगस्त में 1945 में जो थे लॉर्ड वेवल अनाउंस किया था इलेक्शन को, जो कि एक पोलिटिकल प्रोसेस था। और यहाँ पे इनका गोल ये था कि एक सेल्फ गवर्नमेंट आई जाए, जो कि इंडियन लीडर्स के साथ कोऑपरेशन के साथ मिलकर बनाई जाए। मुस्लिम लीग की जो कम्पेन थी उनका फोकस मेन ये था कि वो आइडिया ऑफ पाकिस्तान को एम्फेसाइज करें, इस्लामिक आइडेंटिटी को फोकस करें, उनके स्लोगन्स यूज़ किए गए, उनके आइडेंटिटीज यूज़ की गई। मीनवाइल जो कांग्रेस थी उन्होंने एडवोकेट किया था कि जो इंडिपेंडेंस है यूनिफाइड इंडिया का, मतलब ओवरऑल जो इंडिया है उसकी इंडिपेंडेंस के बारे में उन्होंने बात की।
दिसंबर 1945 में जो इलेक्शंस थे वो हुए, और सेंट्रल लेजिस्ट्रेट ने कहा कि जो मतलब जो इलेक्शंस हुए थे उसमें जो मुस्लिम लीग थी उसने ओवरऑल 30 मुस्लिम सीट्स जो थी वो विन की थी, और उसमें जो शोक मतलब वो स्ट्रॉन्ग और सपोर्टिव जो था वो एक सिग्निफिकेंस था मुस्लिम्स के लिए। बल्कि जो सबसीक्वेंट प्रोविजन में जो इलेक्शंस थे जो 1946 में दोबारा हुए तो उसमें मुस्लिम लीग ने एक सिग्निफिकेंटली मुस्लिम सीट्स को उसमें विन किया, जिसमें पंजाब बंगाल सिंध और NWFP के जो सूबे थे वो सब उन इलेक्शंस में आप विन कर लिए गए थे। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे आपके कैबिनेट कैबिनेट मिशन के बारे में। सो कैबिनेट मिशन जो था 1946 में इसको प्रेजेंट किया गया। अब इसमें क्या होता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना कैबिनेट मिशन सेंड किया था इंडिया में मार्च 1946 में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट को वापस करा था। अब इस मिशन की रिकमेंडेशंस क्या थी कि इसमें फॉर्मेशन कीजिए एक इंडियन यूनियन की, और उसके अलावा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो, कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन हो, और उसमें जो था एक इंटरिम गवर्नमेंट को भी सेटअप किया जाए। मुस्लिम लीग जो कि कायदे आजम अली जिन्ना जो थे वो लीड अप कर रहे थे, तो उन्होंने इस कैबिनेट को एक्सेप्ट किया था। बट उनके जो था उसको एक्सेप्ट करने का मकसद ये था कि वो एक बाइसेस प्रोवाइड कर रहा था पाकिस्तान की रिएशन को, और वो अलाउ करता है कि मतलब एक रिलेशनशिप्स का रिव्यू लिया जाए बिटवीन द इंडियन यूनियंस एंड कॉन्स्टिट्यूशंस। फर्दर जो कांग्रेस थी उसने कहा कि जी क्रिटिकल सर्टेन एस्पेक्ट्स हैं इस प्लान के, सो उन्होंने इस ग्रुपिंग और प्रोविंसेस को राइट टू रिव्यू में रखा बट उसको प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं किया। नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे ML एंड कांग्रेस रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया गया है। सो दिस इज समथिंग मुस्लिम लीग रिएक्शंस एंड कांग्रेस रिएक्शंस ऑल्दो। अब यहाँ पे जो मुस्लिम लीग ने थे एक्सेप्ट किया था, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट कर लिया था बिकॉज वो स्ट्रेटेजिक था, और उसको मुस्लिम्स को अपनी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहे थे गोल्ड ऑफ पाकिस्तान में। बट विद द टर्म्स ऑफ कांग्रेस उन्होंने इसमें जो पार्टिसिपेटिंग थी इलेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उसको फॉर्म किया था अंडर देयर प्लान, बट वो प्रॉपरली फुली कमिटेड नहीं थी इसके साथ, और उन्होंने अपने प्रोविजन्स में इस बारे में जो थी वो मसला बढ़ना शुरू हो गए थे कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में। और नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि जो उनका इंटरिम था गवर्नमेंट का उन्होंने नेहरू लीडरशिप का फॉर्म आउट किया सितंबर 1946 में, और इसमें इनिशियली उन्होंने फेस किया था चैलेंजेस को ड्यू टू देयर डिफरेंसेस बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस मेंबर्स। उसके बाद यहाँ डिस्कस किया गया है डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे को प्रेजेंट किया था, उसका एम ये था कि इसमें वो अपनी डिमांड फॉर पाकिस्तान को एजेड करें, उसके अलावा इसमें कांग्रेस और ब्रिटिश की जो अथॉरिटीज थी उनके साथ बातचीत की जाए, नेगोशिएट किया जाए ताकि वो अपने एक स्टेट के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर सके। और इसका जो रिजल्ट था इस पॉलिटिकल प्रेशर का, सो उसमें जो थी इंटरिम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई थी जिसमें जो थी मुस्लिम लीग ने जो 1946 में उसको ज्वाइन किया अक्टूबर में, और उसके अलावा इसमें अलबीट किए गए थे कुछ टेंशन्स को बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदू फैक्शंस। नेक्स्टली यहाँ बात की गई है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में। अब यहाँ पर हुआ क्या कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उनको अपॉइंट किया गया था एज अ वाइस रॉय हिंद, और उसमें मार्च 1947 में उनको एज एन असाइन किया गया, और एक न्यू फेस था जिसमें जो कि ब्रिटिश रूल था उसका एंड हो रहा था, और उनको फैसिलिटेट किया गया था कि वो एक ट्रांजिशन दे इंडिपेंडेंस को। 3 जून प्लान के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ की पॉइंट्स को कुछ की स्टेप्स को आउटलाइन किया था जिसमें डिफरेंट किस्म के पॉइंट्स थे, जैसे कि फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस था बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज, और उसके अलावा इसमें प्रोविजंस थे फॉर द प्रोविजंस जो कि डिसाइड करेंगे पार्टीशन जो कि बेस करेगी डेमोग्राफिक और प्रेफरेंसेस लेवल पर।
नेक्स्टली यहाँ बात की गई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई 1947। सो इसमें डिस्कस ये किया गया कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस है वो एक्ट करेगी एज द फॉर्मलाइज, जिसमें वो प्रोसेस करेंगे पार्टीशन को, इंडिपेंडेंस को, और इसमें टू डोमिनेंट स्टेट्स को क्रिएट किया जाएगा, इंडिया को और पाकिस्तान को, जो कि रजिस्ट्रेट्स और अपनी पावर उनकी अपनी अपनी होंगी, उस पर किसी का कोई भी राइट या इंटरफेरेंस नहीं होगी। और ये जो एक्ट था इसमें एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड की गई जो कि बेस करी थी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट के रिगार्डिंग 1935, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से जिसको अडॉप्ट भी किया गया फर्दर। नेक्स्टली आया था आपके पास पार्टीशन प्रोसेस। सो इसमें वेरियस जो थे रीजन थे, जैसे कि पंजाब, बंगाल, सिंध, NWFP, बलोचिस्तान और जो स्ली था, उसकी डिसीजन लिए गए कि इनको कहाँ पे और कौन से असम्बलीज और रिफ्रेंडम्स में ज्वाइन करना चाहिए। सो इंडिया और पाकिस्तान मतलब कौन सी मतलब कंट्री में उनको ज्वाइन करवाना चाहिए। सो ये जो गवर्नर जनरल इश्यूज थे इनका भी कंसर्न थोड़ा सा माउंट बैटन के रोल्स के साथ था, मतलब कि जिन्होंने अपॉइंट किया था इनको पाकिस्तान फर्स्ट, मतलब जिन्ना को गवर्नर एसन अपॉइंट किया गया था पाकिस्तान फर्स्ट गवर्नर जनरल, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस फेस करने पड़े थे ट्रांजिशन पीरियड में। और यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पावर की बात की गई नेक्स्ट। सो ट्रांसफर ऑफ पावर समथिंग के लाइक यहाँ पे जो है इनॉग्रल मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की 11 अगस्त 1947, जिसमें सबसीक्वेंट ट्रांसफर हुआ था पावर सेरेमनीज का। और इसके अलावा जो था 14 और 15 अगस्त जो थी वो एक ट्रांजिशन इंडिपेंडेंट स्टेट, बिकॉज इस डेट्स पर इंडिया और पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस थी वो हुई और जो पार्टीशन थे वो प्रॉपरली किए गए। लास्ट पर यहाँ बात की गई कि इसमें कुछ डिटर्मिनेशन आए थे इनके बाउंड्रीज को लेके, कॉन्ट्रोवर्शियल आए थे, जैसे कि इसमें बाउंड्रीज कमीशन डिसीजन इंक्लूड, इसमें एक फाइनल स्टेज जो था एक पार्टीशन प्रोसेस का वो सिंबलाइज हो रहा है। नेक्स्ट लेसन नंबर 14 में डिस्कस किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अबाउट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब यहाँ पे ये एक मेजर और एक बड़ा ही फर्स्ट जो था वो लेजिस्लेटिव स्टेप था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था इंडिया में, और इसको रिप्लेस किया गया था अर्लियर सिस्टम के साथ, जहाँ पे जो मुस्लिम्स थे उनके जो लॉस थे उनको प्रोमुलेट किया गया विद ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्टली यहाँ बात की गई कि जो की प्रोविजन था इसमें इंक्लूड थी जिसके गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड करना, उसके अलावा जो गवर्नर जनरल थे उनको एक स्पेसिफिक टास्क काउंसिल मेंबर के रिगार्डिंग अलाउ करना और उनको प्रोवाइड करना कुछ इस किस्म की चीज़ें। और उसमें था बेसिकली उसमें एक और बात की गई वो ये कि इसमें उन्होंने इंक्रीज किया मेंबरशिप ऑफ काउंसिल्स को, इसमें रिड्यूस करवाया था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेटेड, जो कि 2 ईयर्स के लिए नॉमिनेट किए जाते थे। और इसमें कुछ बॉर्डरिंग रिप्रेजेंटेशन से लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस की, और जो एक्ट था बेसिकली इसने डिलिमिनेट किया था आपके इम्पोर्टेंट मैटर्स, जैसे कि इसमें डिस्कशंस थी विद द गवर्नर जनरल, जैसे कि फॉरेन डिपार्टमेंट्स के रिगार्डिंग और इस किस्म की जो डिस्कशंस थी उनको भी यहाँ पे कैटर नहीं किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब इसमें क्या हुआ कि ये फर्दर एक्सपेंड किया गया था इसका साइज को, इसके स्कोप को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को ब्रिटिश इंडिया में। उसमें बेसिकली उनका पर्पज ये था कि इसमें मेंबरशिप को जो था वो इंक्रीज करें, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, प्रोविंशियल काउंसिल्स को, और वो अलाउ करें एक मोर रिप्रेजेंटेशन। इसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था लिमिट्स पावर्स को फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें उन्होंने इनेबल किया डिस्कशन ऑन बजट और जो प्रेजेंट किया था रेजोल्यूशन को, और जो वेरियस इशूज पर क्वेश्चनिंग्स थी उनके बारे में उन्हें एड्रेस किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। सो दिस इज अबाउट इसमें मिंटो मॉरली रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई है।
यहाँ पे कॉमनली जो मेंटल मॉडल फॉर्म्स उसको कहते हैं कि एक सिग्निफिकेंट स्टेप था टूवर्ड इंडियंस को जो ग्रेटर रोल गवर्नेंस में प्रोवाइड करना था उसके रिगार्डिंग एक बार सिग्निफिकेंट स्टेप के तौर पे कंसीडर किया जाता है। अब इसमें हुआ क्या कि उन्होंने एक्सपेंड किया था लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बोथ द सेंट्रल और प्रोविजनल लेवल्स पर, जिसमें उन्होंने नंबर इंक्रीज किया था अपने इलेक्शन मेंबर्स के, और ये जो एक्ट था इंट्रोड्यूस करवाया था लिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर्स को काउंसिल के लिए, जिसमें उन्होंने डिस्कशन इंक्लूड किए, बजट इंक्लूड किए, रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड किए, प्रेजेंटेशन इंक्लूड किए, और एक सेपरेट इलेक्टोरेट था जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया था माइनॉरिटीज को जो कि अलाउ करते रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट काउंसिल्स। नेक्स्ट यहाँ पे बात होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मोंटागो चेल्मर्स फॉर रिफॉर्म्स। दिस इज समथिंग के यहाँ पे जो ये रिफॉर्म थे इसका एम ये था कि इंडियन गवर्नर्स को एम्पावर करे और उसके अलावा इन्फ्लुएंस करे कि वेरियस डिफरेंट किस्म के जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है ड्यूरिंग दैट पीरियड। इसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था बाई सेंट्रल लजिस्ट्रेट को जो कि एक सेंटर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट था लजिस्ट्रेटिव असेंबली में, और इसमें उन्होंने कुछ डायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें लिमिटेड फ्रेंचाइज क्राइटेरिया थे, इसमें आपकी प्रॉपर्टी ओनरशिप इंक्लूड थी, टैक्स पेमेंट्स थे, उसके अलावा प्रीवियस एक्सपीरियंसेस वगैरह भी इसमें ऐड है। नेक्स्ट बात की गई यहाँ पे इम्प्लीमेंटेटेड के मतलब के जो डायरेक्टरी सिस्टम था प्रोविंसेस में उसके बारे में बात की गई, किस तरीके से जो सब्जेक्ट है उनको रिजॉल्व कर दिया गया था, ट्रांसफॉर्म कैटेगरीज में, और जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स थे हर किसी के मतलब उनको भी रिस्ट्रिक्ट या उनको लिमिटेड कर दिया गया। नेक्स्टली इट्स ऑल अबाउट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो दिस इज समथिंग के जहाँ पे इसको कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेटिव मेजर्स को कंसिडर किया गया था, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने एक्ट की मतलब उनका जो एक्ट था उसको एक ग्राउंड वर्क मिला था फेडरल सिस्टम इन इंडिया में, और उसमें इन्होंने प्रोवाइड किया था एक सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसमें थ्री लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है फेडरल प्रोविंशियल और कॉन्करेंट, जिसमें उन्होंने पावर्स को जो था के प्रोविंशियल और सेंटर के दरमियान जो पावर्स थे उसको डी एलिनेट किया, और जो एक्ट था इस्टेब्लिश करा था एक बाई सेंट्रल सेंट्रल मजिस्ट्रेट को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को जो कि इलेक्ट कर रही है आपके गवर्नमेंट और फेडरल कोर्ट सिस्टम। इसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे कुछ रिफॉर्म्स जैसे कि फ्रेंचाइज सिस्टम और एक्सपेंडेड रिप्रेजेंटेशंस और डिफरेंट किस्म के स्टेजेस जो कि आपके सेल्फ गवर्नेंस को इंक्रीज अप करने के लिए सेटअप किया गया था प्रोविंशनल लेवल्स पर। नेक्स्टली यहाँ पे अगर बात करें लेसन नंबर 15 के बारे में, सो दिस इज समथिंग कि यहाँ पे डिस्कस ये किया गया कि जो आपकी प्रॉब्लम्स थी द न्यू द प्रॉब्लम्स ऑफ द न्यू स्टेट। अब यहाँ पे पाकिस्तान बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी जैसे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस उसमें आपके डायमेंशंस थे, सिग्निफिकेंट किस्म के चैलेंजेस थे जिनको एड्रेस करना लाजमी था, कंट्री की स्टेबिलिटी थी, उनकी प्रोग्रेस थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आता है न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पास आया शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड पर्सनल। अब यहाँ पे ये प्राइमरी चैलेंज था बिकॉज हमारे पास ट्रेन ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं थे, पर्टिकुलरली सीनियर ऑफिसर्स नहीं थे, और एक्सपीरियंस इंडिविजुअल्स ने माइग्रेट किया था उन जो इंडियन ड्यूरिंग पार्टीशन में, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मसला आया, और उसमें जो शॉर्टेज थी उसकी कैपेसिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए एफिशिएंट फेडरल गवर्नमेंट कराची का जो सारा सिनेरियो हुआ वो इसमें ऐड होता है। उसके बाद बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चरल एफिशिएंसीज मतलब कि हमारे पास प्रॉपर स्पेसेस नहीं थे, प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं थे, ऑफिस स्पेस नहीं थी, फर्नीचर नहीं था, और एक प्रॉपर डायरेक्ट कम्युनिकेशंस नहीं थे बिटवीन द फेडरल एंड प्रोविंशनल गवर्नमेंट्स, और इसमें लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, और कोऑर्डिनेशन से क्रिटिकल इश्यूज आ रहे थे, और वेलफेयर फॉर द मुस्लिम रिफ्यूजीज जहाँ पे मुस्लिम्स को रखा जा रहा था उसके कुछ इश्यूज वहाँ पे स्टार्ट हो गए बिकॉज
वी हैव नो स्पेस, वी हैव नो फर्नीचर, दैट्स व्हाई जो था वो मुस्लिम्स को खैमे वगैरह में रहना पड़ा था. नेक्स्ट यहाँ बात की गई डिवीजन ऑफ एसेट्स. सो यहाँ पे एसेट्स के अगर डिवीजन को देखा जाए तो इसमें इंडियन गवर्नमेंट कॉरपोरेशन की बात की गई, मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने कॉपरेटिव तौर पर ट्रांसफर नहीं किया था सेंशियल रिकॉर्ड्स को, इक्विपमेंट्स को, फाइनेंशियल एसेट्स को पाकिस्तान में एज पर द एग्रीड पार्टीशन एग्रीमेंट. मतलब किस तरीके से एग्रीमेंट में कहा गया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उन चीज़ों को जो था वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था. यहाँ पे लेक ऑफ कॉरपोरेशन है जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट हर्डल्स आना शुरू हो गए कंट्री को मैनेज करने में, जैसे कि फाइनेंस था, सेंशल सर्विसेज थी, और इसमें डिफरेंट किस्म के जो चैलेंजेस है वो आपकी न्यू स्टेट को फेस करने पड़े. फाइनेंशियल मिलिट्री शेयर्स की बात की गई है फर्दर. सो यहाँ पे क्या था कि पाकिस्तान को प्रॉपरली तौर पे फुली फाइनेंशियली तौर पे जो उनकी स्टेट या जो उनकी मिलिट्री थी वो उनको रिसीव नहीं हुई थी. फाइनेंशियल स्ट्रेन्स या डिफिकल्टीज है जिसकी वजह से एक रोबस्ट डिफेंस आए इंफ्रास्ट्रक्चर्स में उनको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ गई. नेक्स्टली यहाँ बात की गई है इंट्रीगेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट. अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस किया गया. जस्ट लाइक कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया कि जो इंट्रीगिंग न्यूमरस प्रिंसली स्टेट था उसने स्कैटर किया था कि जो सब कॉन्टिनेंट है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, उसको स्कैटर करना, उसको पार्टीशंस में प्रोवाइड करना. सो इसके बेस पे जो उसने कहा था कि एक प्रिंसली स्टेट होना चाहिए पाकिस्तान में, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया को भी इसे ज्वाइन करना चाहिए विद वेरियस फैक्टर, जैसे कि उसमें हिस्टोरिकल अलायंसेस थे, इन्फ्लुएंस था ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव का, डेमोग्राफिक कंसिडरेशन थी. और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कुछ बात की डिस्ट्रीब्यूट केसेस की, जिसमें उसने बात की जूनागढ़ की, हैदराबाद और कश्मीर को. उन्होंने हाईलाइट किया था कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन नेचर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स है जिसमें इनको इंट्रोगेशन चाहिए, और इसी के सब डिस्ट्रीब्यूट की वजह से जो रूलर्स थे उन्होंने डिसीजंस लिए थे कि उन्होंने डेमोग्राफिक स्टेट्स में लेके आए जो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट थे उनके, और जो उनकी लीडिंग थी टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट थी उसको रेजोल्यूशन के तौर पर लीडअप किया गया. नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉमनल रिवॉर्ड्स एंड अराइवल ऑफ रिफ्यूजीज. अब यहाँ पे डिस्कस ये कर रहे हैं कि जो आपके कॉमनल वायलेंसेस थे वो स्टार्ट हुआ, मतलब कि कॉमनल रिवॉर्ड्स और जो एड्रप्टिड था 1946 में, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट आई थी, किलिंग ऑफ मुस्लिम्स और इंडियन टेरिटरीज के बारे में उसको डिस्कस किया गया. मतलब यहाँ पे एक लार्ज नंबर ऑफ वायलेंस था, मुस्लिम्स जब माइग्रेट करते तो उन पर मतलब जो सब सिनेरियोज हुए जो मतलब लोगों को कत्ल और गारत की गई उसके बारे में डिस्कस किया गया. रिफ्यूजी चैलेंजेस है, मतलब जो लोग यहाँ पे आ रहे थे उसके काफ़ी चैलेंजेस है, जस्ट लाइक कि उनको एक शेल्टर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था, बेसिक फैसिलिटीज नहीं थी, हेल्थ केयर नहीं था, फूड नहीं था, बेसिक नेसेसिटीज नहीं थी, और जो पॉपुलेशन थी उसकी स्ट्रेन और रिसोर्सेज की कैपेसिटी की वजह से सब जो था मसले आए, जिसकी वजह से एक अर्जेंट अटेंशन रिक्वायर्ड थी, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट रिक्वायर थी, बट वो सब चीज़ें नहीं हो पाई. नेक्स्ट आता है केनाल वाटर एंड ट्रेड इशू. ये जो हमारा नहरों का मसला है और जो हमारा कुछ ट्रेड का मसला है, तो यहाँ पर वाटर डिस्ट्रीब्यूट के बारे में बात की गई. सो वाटर डिस्ट्रीब्यूट इज समथिंग के जहाँ पे आपका जो था वो ऑरिजिनेट किया गया था रिवर्स को कश्मीर के साथ, और जिसका कंट्रोल था वो इंडिया क्रिएट कर रहा था, मतलब उसमें एक मसला आ रहा था एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को लेके इन वेस्ट पाकिस्तान. इसमें इंटरप्रिटेशन आए थे वाटर सप्लाई की, जिसमें सीवियर इम्प्लिकेशन आए थे इकनॉमी की, रीजन्स की. उसके बाद ट्रेड सेपरेशन की बात करें तो यहाँ पे था कि विद इन इंडिया जो डिस्ट्रप्शंस आई थी इसमें डिवेल्यूएशन थी करेंसी की, और जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थी उसके बारे में जो काफ़ी इश्यूज आए, और इसमें जो पाकिस्तान इकनॉमी थी वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई थी, और ये हैवली रिलेटेड था आपके ट्रेड के लिए जो कि आपके नेबर्स के साथ आप लोग कर रहे थे. और इसके बाद जो सारे डिस्ट्रप्शंस आए रेवेन्यू जनरेशन में, इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज में,
लास्टली यहाँ बात की है द प्रॉब्लम एंड द ट्रेड प्रॉब्लम एंड